ਓਏ ਗੱਡੀ ਪਿਛੜ ਇਹ ਗਾਲੀ ਦੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਿਛੜ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਬੈਠ ਬੰਦੇ ਕਰ ਪਿਛੜ ਗੱਡੀ ਭਾਈ ਪਿਛੜ ਟੋਨੇ पॉलिसी मिलेगी तो वापसी में जाएंगे, नहीं तो सड़कें पर ये हाय हाय करते रहेंगे। प्रधानमंत्री साहब आखते थे वो पता नहीं कदू आने कदू नहीं आने। कितनी उम्र हुई हूं तुम्हें? उम्र हूं कोई 50 साल। मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, खासकर रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी डीसी साहिबा रियासी में बैठी हैं, हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी पीएचई के अंदर काम नहीं किया है, टोटल तनख्वाह लेते हैं, खाली वेतन लेते हैं, गरीब आदमी की कोई सुध लेने वाला नहीं है। हमने रोड प्रदर्शन किया इसके लिए ये कि ये सरकार जागे, हमारी बात को सुने कि हम सुनना चांदी नहीं मांग रहे, हम दो वक्त की रोटी मांग रहे हैं, हमारी ये बात सुनना। ये गवर्नर सुन रहा है? बाईस दिसंबर को क्या होने वाला है? बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है और कहाँ होने वाला है? जम्मू कश्मीर में 22,000 डेली बेजर्स सड़कों पर उतरने वाला है। बच्चे भूखे सोते हैं, बच्चे भूखे सोते हैं, हाय हाय करते हैं। चीज नहीं हुई। अच्छा, मर गई हैं हरियाणा से, यही जाना। उम्मीद भी अलग घट है, उम्मीद क्योंकि उम्मीद घट है, सुना था कोई नहीं, कोई गलबात करा दा गै नहीं, 6 महीने हो गए थे लेटे सड़कें पर, कोई सुनता गै नहीं है। एक 186 लोग अंडर एज बना दिए हमारे, कुछ लोग ऐसे हैं उनकी अभी एज नहीं हुई। हक मोए जालिमो, खून पीना छोड़ दो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो मसला ज्यादा है वो रिकॉर्ड को लेकर है, आज का जो प्रदर्शन है वो खासकर रिकॉर्ड को लेकर है, जो जिला प्रशासन में आप रिकॉर्ड में बदलाव की आप मांग कर रहे हैं वो नहीं होगा। बिल्कुल, अगर सरकार किसी को परमानेंट पॉलिसी देगी तो किसको देगी, जिसके कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे। बच्चे भूखे सोते हैं, हाय हाय करते हैं। जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। छीन करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, हक में करेंगे काम, काम करेंगे पूरा काम, में करेंगे काम, काम करेंगे पूरा काम। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गिरे दिजानिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गिरे दिजानिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गिरे दिजानिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। ये मेरा आरोप है, हमने लिखित में डिप्टी कमिश्नर को दिया रियासी में, डिप्टी कमिश्नर और जो कमीशन देने वाले अधिकारी हैं उनको उन्होंने जहां पर बिठा कर रखा है, वो दिल्ली बेजों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। हेलो, हेलो, ओ भाई गड़ी पिछर, ये गाली दे दी, गड़ी पिछर, ये गाली दे दी, चल पीछे कर, बाहर बंद कर, पीछे कर दी भाई, पीछे कर, तोड़ने सोचिए क्या, भारत माता की, भारत भी तुसें कुचलने लगे दे, ये डिप्टी कमिश्नर कन्नै लड़ाई है, जम्मू कश्मीर जी प्रशासन कन्नै लड़ाई है, इंदे भी भ्रा चाचे मामे दे जागत सारे इ'यां गै लगे दे ने, इन्हें भी ध्यान होना चाहिए इस चीज का। मुर्दाबाद।
पीएचई के डेली वेजर एक बार फिर सड़कों पर हैं और इस बार पीडब्ल्यूडी डाक बंगले के ठीक बाहर मुख्य सड़क को जाम किया हुआ है। जिला इंतजामिया से आप बेहद नाराज दिख रहे हैं, आखिर मुद्दा क्या है? डिप्टी कमिश्नर रियासी की जो अपना काम करना है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, खासकर मजदूरों की क्या आवाज है। मजदूर अपने एक रिकॉर्ड की बात कर रहा है, जिन लोगों ने 29 वर्ष दिए हैं। आप यशपाल शर्मा जी को देखिए जो जनवरी महीने में रिटायरमेंट हो रहे हैं, अप्रैल में हमारे 17 लोग रिटायरमेंट चले गए हैं, 72 महीने का हमारा बकाया वेतन है। मैं डिप्टी कमिश्नर रियासी से खुद मिला, डिप्टी कमिश्नर रियासी को वो सूची दी गई कि जो एक आदमी दो जगह में काम कैसे करता है, वही लोग एनएचपीसी के अंदर काम कर रहे हैं, वही लोग पीएचई विभाग के अंदर काम कर रहे हैं। प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा, आपकी जो मांगे हैं, जो सूची आप कह रहे हैं कि इनमें रिफाइन किया जाए, इन्हें सही किया जाए? मैं कह रहा हूं कि मनोज सिन्हा जी कह रहे हैं कि डेडबुड अधिकारी को बाहर का रास्ता देना है, तब होगा। डिप्टी कमिश्नर से मैं खुद मिला, मेरी पूरी टीम मिली। जब डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मैं इसके ऊपर कार्रवाई करूंगी, तो मैंने कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम करेंगी। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी पीएचई के अंदर काम नहीं किया है, टोटल तनख्वाह लेते हैं, खाली वेतन लेते हैं। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्य करते हैं और सैलरी जो है, जो मानदेय है, वो आपके पीएचई विभाग से लेते हैं। मैं कहता हूं कि वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रही है? मैं वेरिफिकेशन की बात कर रहा हूं डिप्टी कमिश्नर रियासी से, आप वेरिफिकेशन दीजिए कि कितने लोग हैं। आपने देखा होगा जब हमने 2020 में क्याला स्टेशन बंद हुआ था, तो उस समय की जो हमारी पूर्व की डिप्टी कमिश्नर इंदु जी जहां पर थी, तो हमारे बडियाल साहब जो एसी साहब थे, उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट दी थी डिप्टी कमिश्नर रियासी को, जब उसके ऊपर कार्रवाई की थी। और कुछ ऐसे अधिकारी उस जाल में आए थे, लेकिन अधिकारी को अधिकारी बचाने का प्रयास किया, दिल्ली बेजरों को कुतलने का डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया। 22 दिसंबर को क्या होने वाला है? बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है और कहां होने वाला? जम्मू कश्मीर में 22,000 डेली बेजर्स सड़कों पर उतरने वाला है। जम्मू सूबा के अंदर सभी लोग जाने का एक प्रयास करेंगे, और जो मुझे पूरी उम्मीद है कि डेली बेजरों को रोकने का, डेली बेजरों को टटोलने का और डेली बेजरों के ऊपर लाठीचार्ज करने का, चाहे वो जिला इंतजामिया होगी, चाहे वो डिपकॉम की टीम होगी, वो पूरा प्रयास करेगी। लेकिन मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ कि 22,000 डेली बेजर सड़कों पर नहीं उतरेंगे, 1,00,000 डेली बेजर सड़कों पर उतरने वाला है। पिछले करीब 6 महीनों से एक वक्त पानी लोगों को मिल पा रहा है, परेशान है जनता, उसका हल कौन करेगा? जिला इंतजामिया के साथ सब रियासी की जनता जुड़ी हुई है, और खास करके भारतीय जनता पार्टी की जो जहां पर एक टीम बैठी हुई है, जो पूर्व की टीम जहां पर रही है, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को हाईजैक करके रखा हुआ था। अब भारतीय जनता पार्टी के नए जिला अध्यक्ष आए हैं, अभी मुलाकात नहीं हुई है, जब कभी मुलाकात होगी उनसे भी इसके ऊपर विचार किया जाएगा, बात की जाएगी, लेकिन डिप्टी कमिश्नर को इसके ऊपर पूरी संजीदगी के साथ काम करना होगा। रास्ता कब खोला जाएगा? रास्ता कभी नहीं रोका है, जहां पर रुके हैं डिप्टी कमिश्नर को बताने का एक और मीडिया को एक नोटिस करने का कार्यक्रम था, जहीं से वापस जा रहे हैं। बहुत मुश्किल आएगा ना, मतलब रोटी देना करना, मतलब अपना गुजारा चलाना बहुत मुश्किल है, बच्चे पढ़ाने के पैसे नहीं, कहां से पढ़ाएंगे? 9,000 का ही मिलता है, 2-3 महीने के बाद मिलता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। कितने साल हो गए आपको बतौर डेली वेजर काम करते हुए? अभी को 13 साल हो गए सर। 13 साल से? जी जी जी। तो अब लगता है आपको कि ये मामला हल होगा? देखो जी, अब लगे हैं पोस्ट में, लगे हैं, देखो अब क्या सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है। 370 हटने के बाद उम्मीदें थी कि आपके भी अच्छे दिन आए। हाँ, थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इन्होंने कहा कि इन्हें उम्मीदें थी कि 370 टूटने के बाद जो है वो इनके भी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। सर मेगा मेरी डिप्टी कोई 25 साल हुई है काम कर गए, हाली तक हुआ नहीं कख भी। 370 हटने के बाद उम्मीद जगी ही तुसें कि तुंदे अच्छे दिन आने? उन्हें सोई दे भी त्रुटिया दे किश हो गए, इतने कख नहीं होया, कोई चीज नहीं हुई, मर गए इं मर जाना, अस इं जाना। उम्मीद भी अलग घट है, उम्मीद क्योंकि उम्मीद घट है, इसलिए वो सुना दा कोई नहीं, कोई गलबात करा दा नहीं, 6 महीने हो गए थे लेटे दे छिड़के पर, कोई सुनता ही नहीं है। टाइम टाइम ऊपर तो प्रोटेस्ट करने, रैलियां करने, तो तुम्हें लगता सरकार ऊपर कोई असर नहीं होता है? कोई असर नहीं, सरकार बोली ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है कि है कि नहीं है, पता नहीं कोई आंधी बहरी ऐसी सरकार आई थी, कोई पता नहीं। गंभीरता नहीं, करने नहीं लैंदी सरकार को, करने लैंदी ही नहीं, कोई साड़ा मसला लेता ही नहीं कोई। लेकिन बड़े वादे होंदे हे जेल्लै बीजेपी इलेक्शन 2014 दे पहले कि परिवर्तन करूं ना, अच्छे दिन आई जाने, ऐसा किश दिखने को? वो अच्छे दिन इ'यै आवाज है सड़के पर, लोग फिर आ दे इ'यै अच्छे दिन, होर के होने। प्रधानमंत्री साहब आखते थे, वो पता नहीं कदू आने कदू नहीं आने। कितनी उम्र हुई हूँ? उम्र हूँ कोई 50 साल। 50 साल हुई। शुक्रिया शुक्रिया। तो 50 साल उम्र हो चुकी है, लेकिन अभी तक परमानेंट जो है नहीं हुए हैं। पीएचई डेली वेजर मदर
मदन जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मदन जी, लगातार प्रदर्शन आप करते रहे हैं, प्रोटेस्ट करते रहे हैं, रैलियां निकालते रहे हैं, लेकिन मुद्दे अभी तक हल नहीं हुए। अब किस मुद्दे को लेकर आप सड़कों पर उतरे, के पुराने ही तमाम मुद्दे हैं और जिला प्रशासन से आप खास तौर पर नाराज दिख रहे हैं, आखिर कारण क्या है? अच्छा जी, मुद्दा तो वही है जो हम रेगुलराइजेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नाराज है, हमारा रिकॉर्ड कम से कम 20 बार इन लोगों ने भेज दिया। हर बार ये रिकॉर्ड को तोड़ मरोड़ के भेजते हैं, किसी 186 लोग अंडर एज बना दिए हमारे, कुछ लोग ऐसे हैं इनकी अभी एज नहीं हुई। जो मसला ज्यादा है वो रिकॉर्ड को लेकर है, आज का जो प्रदर्शन है वो खासकर रिकॉर्ड को लेकर है, जो जिला प्रशासन में आप रिकॉर्ड में बदलाव की आप मांग कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, अगर सरकार किसी को परमानेंट पॉलिसी देगी तो किसको देगी, जिसके कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे? इन लोगों ने, जिन लोगों को अंडर एज बनाया, कुछ लोग ऐसे हैं जो 60 साल के नहीं हुए, उनको क्या गया 56 ईयर की एज में इनको रिटायरमेंट भेज दिया। जिसको पूछे कोई सुनने वाला है नहीं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने कई बार लेटर दिए और समक्ष बैठ के बातें भी की, SSP साहब से बातें की, तहसीलदार साहब से वैसे बातें की, लेकिन किसी ने भी इनिशिएटिव नहीं लिया आज तक। जी, चलिए, किसी ने भी इनिशिएटिव नहीं लिया और इनको मुद्दों को हल करने की कोशिश नहीं की। आप क्या कहना चाहेंगे, जिला प्रशासन से कहां दिख रहे हैं आप? जिला प्रशासन ने तो एक भी मजदूर की, हमारे डेली वेजर्स जो 6 महीने से सड़कों पर उतरे हैं, ये बात नहीं सुनी जा रही है। खासकर रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी DC साहिबा रियासी में बैठी हैं, हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए आज का जो मैसेज, कितने सालों से बतौर डेली वेजर कार्य कर रहे हैं और अब आपकी उम्र क्या हो चली है? हमारी उम्र जो है वो 45 से क्रॉस हो जा रही है। हम लोगों की जमीनें भी छीन ली गई है और हमें नौकरी का लालच दिया था, एक नाम का ऑर्डर बनाकर दे दिया था, और ना ही मर्जी से पुकार देते हैं। जो 8-9 हज़ार अभी 2-4 महीने से किया है, वो भी हमारी जो डिवीज़न के अफसर लोग हैं, वो भी अपनी मर्जी से 2-4 महीने के बाद जो हमारी वो सैलरी देते हैं। जी, चलिए, आप क्या कहेंगे, आप भी प्रदर्शन में शामिल हैं, कितने सालों से बतौर डेली वेजर कार्य कर रहे हैं? हम 1995 मई महीने में 22 तारीख लगे थे इस डिपार्टमेंट के अंदर। अब उम्मीद आपको लगातार यही रही कि आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, तभी आप इस विभाग में रहे और कार्य करते रहे। बात ऐसे, आशा पे जीता है आदमी, आशा ही बुलंद होती है, उम्मीद पर ही जीता है आदमी। हमें उम्मीद दी भी जाती रही लीडरानों से, अफसरों से, हमें यही कहते थे आप रेगुलर हो जाएंगे। आज तक चलते 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 ये वक्त आ गया। अब क्या उम्मीद है? उम्मीद अभी जिंदा? हमें एक उम्मीद है, इस वक्त भारत पर मोदी सरकार है, वो बोलते हैं कि मजदूर किसान भूखा ना रहे, उन पर उम्मीद है, हो सकता कुछ कर ले हमारा गरीबों का। और हमारी भी ये बात है, हमारा एक वचन है कि अगर हमें 27-28 साल डिपार्टमेंट के अंदर दिए हैं, हमारे को अगर पॉलिसी मिलेगी तो वापसी जाएंगे, नहीं तो सड़कें बारी हाय हाय करते रहेंगे। जी, चलिए, तो मोदी सरकार से अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, PHE डेली वेजर्स लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं, मुद्दे उठाते रहते हैं, लेकिन अभी तक इनका कहना है कि मुद्दे इनके हल नहीं हुए। हालांकि मानदेय जो है वो 9,000 जरूर किया गया है। 6 महीने हो गए हम हड़ताल पर बैठे हुए, सरकार सोई हुई है, टस से मस भी किया, गरीब आदमी की कोई सुध लेने वाला नहीं है। हमने रो प्रचोद किया, इसके लिए ये कि ये सरकार जागे, कि हमारी बात को सुने, कि हम सोना चांदी नहीं मांग रहे, हम 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं। हमारी ये बात सुनना, ये गवर्नर सुन रहा है ना, ये अपने डिप्टी कमिश्नर डिपका जितनी ये आलाकारी हैं जिनके पास पावर है, वो सब टस से मस नहीं कर रहे हैं। हम ये विनती करना चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। एक ही हमारे साथ जम्मू कश्मीर की, एक ही स्टेट की, उसकी 2 जुटियाँ बनाई, जिसके साथ हमारे लकी जुटी ले की है, उसमें रेड भी बन गया, सारो चोर भी लागू हो गया। जम्मू के अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखा रहा है। PHE डेली वेजर का सुतेला व्यापार कर रहे हैं, इसको हम कभी माफ करने वाले नहीं। हमने पहले ही कहा दिया था, पॉलिसी नहीं तो कर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब 22 तारीख हमारा और बड़ा प्रोग्राम, अच्छे दिनों की बात हुई थी, बहुत ये बात किए थे, ये अच्छे दिन ऐसे आ रहे हैं। अभी तो मुझे वही दिखाई देते हैं जैसे पहले चिल्लाते रोते थे, उससे भी ज्यादा नीचे गिरे हैं। ऊपर जाने की हर लेवल की बात नहीं हो रही, जो भी कोई चिल्ला रहा है, रो रहा है, उसे टस से मस नहीं किया सरकार ने।